अच्छा भाई, कैसे आप? तो आज की इस वीकली क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि अलामा इकबाल का फनी मुजस्मा सामने आ चुका है। कोरोना में कमी आ चुकी है, बर्मा में मार्शल्ला लग चुका है, क्लाइमेट चेंज बहुत हो चुका है और बहुत कुछ। यार ये वैसे लामा इकबाल का काफी अच्छा इन्होंने बनाया। देखो यार इतना भी बुरा नहीं है। देखो मालियों ने बनाया ठीक है, कोई नश निगार ने नहीं बनाया यार। अब वो कोई निकोला तो नहीं है ना कि वो ठा करेंगे और जूलियस सीजर बना देंगे। देखो बुरा है लेकिन शक्ल मतलब ये मतलब दिखाने के काबिल नहीं है। देखो यार आप, मैं अपने मालियों से कहते हूँ, देखो यार आपने ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मोहब्बत से बनाई है, आपको मोहब्बत है तो आपने बनाई है ना, ठीक है आपने मोहब्बत की, आपको है शायरे मशरक लामा इकबाल से, देखो ठीक है जायज़ है। लेकिन ये जो आप फनी बनाया है ना, देखो अगर आपको नहीं आता तो आप किसी तराशने वाले को बुलाती या जो मतलब ये काम जानता है आप उसको बुलाते हो, उसे कहते यार ये बना दे, ये मे बी वो फ्री में कर देता। गवादर में क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम ना, फुटबॉल स्टेडियम इतना मतलब हिट नहीं हुआ जितना स्टेडियम हिट हुआ है। यार क्या स्टेडियम है, आई एम इम्प्रेस। वो जब मैंने पिक्चर देखी उसकी तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान कैसा लग रहा था, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के। तो घास, वो घास लग ही नहीं रही थी इतनी ग्रीन। यहाँ पे तो अपने गुजरांवाला या लाहौर के लग रहा था कि मुल्तान के आम भी इतने पीले नहीं होते जितने हमारे स्टेडियम के घासे गीली होती पीली होती हैं। कोरोना की शिद्दत में पाकिस्तान में कमी आई है, दुनिया का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता दुनिया पे ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान में कम हो रहा है। ये आप पिछले हफ्ते का स्टैट्स देख लें, 2000 से स्टार्ट हुआ, आज 1200 पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुझे क्या लग रहा है अगले एक हफ्ते तक ये 800-1000 को भी नीचे क्रॉस हो जाएगी, मतलब 1000 भी नीचे हो जाएगी। बाहर की दुनिया में वहां पे 1000-1500 तो अमवातें हो रही हैं, अमेरिका में 4000-3200 अमवातें हो रही है, बरतानिया में 2000 के करीब आपकी अमवातें हो रही, 1700-1500 के करीब। बर्मा में मार्शल्ला लग चुका है इस टाइम। और देखो यार बर्मा म्यांमार जिसको आप कहते हैं, बर्मा ज्यादा लफज लोगों को पता है, म्यांमार नहीं है। देखो यार वहाँ पे मुसलमानों के साथ जिसको आप हिंदी में कहते हैं अत्याचार, उर्दू में जिसको कहते हैं तशद्दुद, बहुत जुल्म सितम हो रहे हो, तशद्दुद करते हैं वहाँ पे, इस टाइम मार्शल्ला लग चुका है। और वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ बंद है। मेरे हिसाब से दो चीज़ें उन्होंने रखी हैं, गूगल और यूट्यूब, बाकी उन्होंने सारे ऐप्स बंद कर दिए हैं। मार्शल्ला में ऐसा होता है और उनके जो आउंग सोंग शिंग छान इस अगर नाम है ना, आउंग सोंग जो उनकी जो मोहतरमा है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट के अंदर आई हुई है। और इस टाइम अभी जो बर्मा में जो ये जो लॉकडाउन कह रहे हो, ये जो मार्शल्ला लगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होगी वो बर्मा के मुसलमानों को होगी। इसराइली वज़ीर आज़म मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू .com ने अपने बेटों का जो रिश्ता बना हुआ था ना, इसराइल और अरब बाप बेटे का जो रिश्ता थोड़ा बहुत बना हुआ था, कैंसिल, दौड़े मुलतवी कर दी। अब आप सोचें बैठ के क्यों किया मुलतवी, आप लोग तो उनके आंखों के ताला बने हुए इस टाइम। नेतन्याहू तो अपनी वो जो जैसे कहते हैं ना बापता या वो अपना जो स्टार बना है, लैविश बना, और कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वो जो सिस्टम है वो आपके अंदर डाल रहा है। और अब जब वो पूरा आपके अंदर अब्सॉर्ब, आपने उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, अब वो अपनी अकड़ दिखाएगा, अपनी अना दिखाएगा और आपको तड़पाएगा। रिसेंटली अरबों ने कहा है पाकिस्तान को कि आप ना सऊदी अरब और यूएई दोनों ने कह दिया कि आप जो हमने आपको कर्जा दिया वह वापस ले लें। वो कह रहे हैं कि हमने आपको पैसा दिया है, अब आप ट्विस्ट देखें, अल्लाह देखे। मतलब मैं बहुत हैरान होता हूँ कभी कभार, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स करंट अफेयर देखता हूँ, मैं कभी कभार इतना हैरान होता हूँ कि अल्लाह इतना तख्ता कैसे पलट सकता है। अल्लाह तख्ता पलटता है ये मेरा ईमान, लेकिन इतना ज्यादा इतनी जल्दी इसका मुझे नहीं यकीन। अभी कल परसों सऊदी अरब कह रहा था कि हमारे $3 अरब वापस करो, हमने आपसे बात नहीं करनी है, आप कट्टी हो गए हमसे, ये इनी मीनी मानी मो। लेकिन आज वो अरब के शहजादे MBS और शेख बिन जैद बिन अनहयान ये ट्वीट कर रहे हैं और बार बार ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान तुसी उठे ही रहो, साडा पैसा है तो ए समझो तुसी की ईदी है। जो बाइडेन ने क्या किया और क्या स्टेटमेंट पेशी, वो मैं आपको बताता हूँ। जो बाइडेन कहता है कि हम अब यमन वॉर में अरबों का साथ नहीं देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे और हम वहां से अपनी फौजें बुला रहे हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, हम जैसे रेलू कट्टा कहते हैं हमने कुछ कर लिया, हमें पता ही नहीं कि यमन कोई मुल्क भी है, वो वहां पे कुछ जंग भी हुई भी है, नहीं है नहीं। ये वो वजह है, मैं आपको बताता हूँ, ये वो वजह है कि जिसकी वजह से अरब जो है वो वापस पाकिस्तान की तरफ आ गए। अभी रिसेंटली 5 फरवरी आई है। देखो यार एक होती है 5 फरवरी सेलिब्रेट करना, एक होता है सारी जिंदगी के लिए सेलिब्रेट करना। ये सेमिनार्स करके और बाकी फलाना करके आप नहीं कर सकते। और ये जो लोग कहते हैं कि जंग क्यों नहीं हो रही, जंग क्यों नहीं हो रही, सेमिनार से क्या होता है, मैं आपको बात आ रहा हूँ। आज ना आजरबाइजान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, ना आर्मीनिया न्यूक्लियर पावर है,
ना इनके पास कोई इतने ज्यादा हथियार है। इवन आर्मीनिया को बहुत से मुल्कों ने मदद की है, बहुत ज्यादा, जिसमें से लोग इल्जाम लगाते हैं कि तुर्की ने आर्मीनिया की मदद, अजरबैजान की मदद की, पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा नफी करता है और करेगा भी। लेकिन वो न्यूक्लियर पावर नहीं थे इसलिए वो जंग हो गई और नगोर्नो-कराबाख फतह हो गई। यहाँ पे देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो वो न्यूक्लियर जंग होनी है। फिर चीन, देखिए चीन और इंडिया का मसला तिब्बत और लद्दाख, चीन और पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर। अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर, एक न्यूक्लियर वेपन भी चल गया ना, वक्त पड़ जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। तो अकलमंदाना फैसला ये है। मतलब देखो, मुझे हिंदुस्तान जहर नहीं लगता, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत सारे फैंस हैं हिंदुस्तान से, लेकिन मुझे आपका एक मोदी नहीं पसंद क्योंकि वो पागल है। मोदी के खिलाफ ईसाई, इवन से खालिस्तान, नीच हिंदू भी उसके खिलाफ, उसके हम मजहब, उसके मजहब भाई भी उसके खिलाफ हैं। ग्रेटर थनबर्ग जो है वो उस टाइम इंडिया की दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि यार वो जो लड़की है यार, वो बहुत, मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। इसके पास यूएन की रुकनियत है, ये जाके बोल सकती है, ये फैटफ का भी बोलती है, ये इसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बोला है, इसने वर्ल्ड लीडर्स को बहुत लताड़ा है कि आप कुछ करते नहीं है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ये जो दुनिया में ना इंसाफियाँ हो रही हैं, बहुत बोलती है। इंडिया की इकोनॉमी मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो रिसेशन के अंदर है और वर्स्ट डिप्रेशन के अंदर भी जा सकती है, और इस टाइम तक इंडियन इकोनॉमी कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका डेब्ट बढ़ता जा रहा है और वो डेब्ट इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब उनका जो कर्जा है वो मजीद कर्जा, मतलब वो अगर मजीद कर्जा लेंगे तो वो कर्जा वापस नहीं कर सकेंगे, इतना पैसा नहीं है इंडिया के पास। तो इस टाइम इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल तला निकल गया उसका और वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है ये कि तुर्क ड्रामा जो है यार फैबुलस, मैं कहता हूँ कि ये ड्रामा कोई ड्रामा नहीं है, ये पूरी एक हिस्ट्री है, ये पूरी हिस्ट्री है। और ये मैंने खबर देखी और मैं बड़ा खुश हूँ। ये खबर ये है कि एक अमरीकी ईसाई औरत, उसने दरेलिस अर्तुरुल देखा और इतना अर्तुरुल उसे देख लिया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई है। तो अल्लाह इस औरत, या आंटी हैं, बहुत बुरी, बहुत ढेर उम्र की औरत हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, अल्लाह इनके सारे गुनाह माफ़ करे, इनको जन्नत फ़िरदौस वाला मकाम अता करे और इनको खुशियाँ दे। देखो यार, इस टाइम ये किताबों का दौर नहीं है, ये आप ही मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, ये है डिजिटल दौर। यहाँ पे अगर आपने दीन के बारे में कोई बात आनी है, इस्लाम के बारे में, या आप चाहते हैं कि यार ये मुल्क इस्लाम की तरफ वापस आए, ड्रामे बनाओ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यार इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी इस टाइम थकावट बहुत हुई है, सुबह से एक तो मैं पढ़ता भी हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, सब्सक्राइब भी कर दो हमें यार, कम से कम 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो यार, ताकि हमारा खुशी मिले, हमें कुछ तस्कीन पहुँचे कि यार हाँ यार इस बंदे ने मेहनत की, इसको इसकी मेहनत का समर मिलना चाहिए। तुम लोग देते नहीं, 700 वीडियोज होने वाली हमारी, तुम लोग हमें सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, लोगों की वीडियो नीचे होती है, सब्सक्राइबर उल्टे होते हैं, ऊपर होते हैं, हमारा उल्टा देता है, हमारी वीडियोज ये हैं और हमारे सब्सक्राइबर दिए हैं, हमारी वीडियोज ये हैं। तो यार हमारी मेहनत को सराहो, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।